नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम खास चर्चा करने जा रहे हैं और वो है चुनाव में स्टार प्रचारकों का शामिल होना। दरअसल हीरो हीरोइन की जरूरत इस समय फिल्मों में ही नहीं बल्कि राजनीति में भी बढ़ चढ़ कर होने लगी है। एक ऐसा दौर भी था जिसमें हीरो हीरोइन को देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ती थी और ये वो लोग होते थे जो फिल्मों को बेहद पसंद करते थे। लेकिन आजकल राजनीतिक रोड शो हो या फिर किसी राजनेता के पक्ष में प्रचार करना हो, अब ये फिल्मी सितारे एक व्यापारिक एड से बाहर निकल करके राजनीति में भी अपना लक आजमाने लगे हैं और इसके साथ साथ वे स्टार प्रचारक के रूप में, चाहे वो क्षेत्रीय दल हो चाहे वो राष्ट्रीय दल हो, चुनाव प्रचार में शामिल होने लगे हैं। इसी तरह से इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार पक्ष के प्रचार के लिए सनी देओल को रोड शो में उतारा। वहीं कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी अशोक तंवर के पक्ष में नवजोत सिंह सिद्धू के अतिरिक्त पंजाबी फिल्मों के अभिनेता और निर्माता तथा क्रिकेट खिलाड़ी युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह को भी चुनाव प्रचार के लिए सिरसा में बुलाया था। फिल्मी सितारों का चुनाव प्रचार करना एक परंपरा बन चुका है। आपको बता दें कि आज से लगभग 22 वर्ष पहले 1996 में कांग्रेस प्रत्याशी कुमारी सैलजा व सिरसा से कांग्रेस के MLA प्रत्याशी लक्ष्मण दास अरोड़ा के हक में वैजयंती माला ने नेहरू पार्क में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया था और फिर उसके बाद आज़ाद उम्मीदवार गोपाल कांडा के पक्ष में TV कलाकार सिरसा पहुँचे थे। हालांकि गोपाल कांडा की कुटिया में हेमा मालिनी सहित अनेक बड़े फिल्मी कलाकार भी आ चुके हैं, लेकिन वह धार्मिक कार्यक्रम थे जिनमें वो भाग लेने के लिए आए थे। लेकिन चुनाव प्रचार के लिए कई TV कलाकार गोपाल कांडा के कहने पर चुनाव प्रचार के लिए सिरसा पहुंचे थे। इसके अलावा इनेलो के पक्ष में भी अक्सर स्टार प्रचारक आते रहते हैं। विशेषकर 2009 में सुनील सेठी और उनके अलावा संजय दत्त अनेक बार इनेलो के पक्ष में सिरसा आए थे तथा उन्होंने रोड शो कर अभय सिंह चौटाला की खूब प्रशंसा की थी और लोगों को वो रोड शो इतना पसंद आया था कि लोगों में कई दिन पहले से ही उत्साह देखा गया था और सिरसा की सड़कें पूरी तरह खचाखच भर गई थी। आपको हम कुछ झलकियां वो भी दिखाएंगे जब सुनील सेठी और संजय दत्त सिरसा आए थे। ये बात आज से 10 साल पहले की है। दरअसल इस जानकारी का मकसद आप तक पहुँचाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आजकल स्टार प्रचारकों का इस्तेमाल भारतीय राजनीति में भी होने लगा है और ये समय के अनुसार एक परंपरा का रूप लेती जा रही है। आप देख रहे हैं पल पल की ये विशेष रिपोर्ट। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार। और दूसरी बात, मैं चौटाला साहब पिता समान है, दोनों भाई जान चौटाला।